खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी की राजधानी में महिला सुरक्षा की क्या है हकीकत? जगह विमेन पावर लाइन लखनऊ, समय रात 9 बजे। यूपी की राजधानी लखनऊ का हाई सिक्योरिटी जोन महिलाओं के लिए रात के अंधेरे में निकलने में कितना मुफीद है, इसकी पड़ताल पर निकल रही हैं एबीपी न्यूज संवाददाता। एबीपी न्यूज की मुहिम ऑपरेशन बेटी बचाओ के सिलसिले में मैं प्रतिभा मिश्रा आ चुकी हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये वही लखनऊ शहर है जो अपने अदब और तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये लखनऊ शहर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है, ये पड़ताल आज एबीपी न्यूज करने जा रहा है। ये जानने की कोशिश हम करने वाले हैं कि ये रात के अंधेरे में एक लड़की जब बस स्टॉप या ऑटो स्टैंड पर खड़ी होती है तो उसे क्या कुछ झेलना पड़ता है। और अपनी इस पड़ताल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लखनऊ के विमेन पावर लाइन चौराहे से। बेहद व्यस्ततम ये इलाका है। हम अपनी इस पड़ताल के दौरान उन तमाम व्यस्त इलाकों में जाने वाले हैं जहां अमूमन बहुत सारे लोग होते हैं, उन जगहों पर हम खड़े होंगे जहां पर बहुत सारे लोग पहले से मौजूद होंगे, ये जानने के लिए कि अकेली लड़की को देखकर लोगों का रिएक्शन क्या होता है। तो मैं अपनी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ इस मुहिम में निकल रही हूँ। आप देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट। जगह समतामूलक चौक लखनऊ, समय रात 9:30 बजे। अब हमारी संवाददाता बढ़ रही है लखनऊ के बेहद मशहूर समतामूलक चौराहे की तरफ, जानने महिला सुरक्षा की हकीकत को, ये जानने के लिए कि क्या रात के अंधेरे में इस हाई प्रोफाइल जगह पर एक अकेली लड़की सुरक्षित है भी या नहीं। हम अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करने वाले हैं लखनऊ के बेहद मशहूर पॉश इलाके गोमती नगर इलाके से, जहां पर एक समता मूलक चौक है। बेहद व्यस्त ये इलाका है, हर वक्त यहां से गाड़ियां रफ्तार भर रही होती हैं। इस वक्त रात के 9:05 हो रहे हैं। मैं अब अपनी गाड़ी से उतरने वाली हूं। एबीपी न्यूज ने अपने एम्प्लॉयज की सुरक्षा का ध्यान रखा है, मेरे साथ मेरा पूरा स्टाफ मौजूद है, मेरे कैमरा पर्सन मौजूद है, मेरे ड्राइवर मौजूद है, और इस दौरान हमने अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा है। लेकिन इस रियलिटी चेक के जरिए हम सिर्फ एक ये संदेश, ये तस्वीर आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि रात के वक्त अगर कोई लड़की इतने बड़े शहर में किसी बस स्टैंड पर, किसी ऑटो स्टैंड पर खड़ी होती है तो उसे किन हालात का सामना करना पड़ता है, उसके साथ क्या कुछ होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए हम ये रियलिटी चेक करने वाले हैं। तो अब मैं यहां से उतर कर जा रही हूं और आप अपनी पड़ताल की हम शुरुआत करें। जगह लोहिया पथ लखनऊ, समय रात 10 बजे। इस वक्त हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा खड़ी है लोहिया पथ पर। यहां उनका सामना होता है बेटियों के शिकारियों से। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा को सबसे पहले ये बाइक वाला घूर कर जाता है, इसी बीच ये स्कूटी वाला नजर आता है, लेकिन सब ठीक लग रहा है। मगर फिर कुछ सेकंड बाद यही स्कूटी वाला दोबारा चक्कर लगाता है। दो चक्कर के बाद भी ये स्कूटी वाला एक बार फिर नजर आता है और इस बार अपनी स्कूटी हमारी संवाददाता से कुछ कदमों की दूरी पर पार्क करता है और फिर घूरने लगता है। कुछ देर यूं ही घूरने के बाद स्कूटी पर बैठा ये शख्स एबीपी न्यूज की कार के पास पहुंचता है, कार के अंदर झांकता है और जब उसे एबीपी न्यूज के कैमरे का एहसास होता है तो पतली गली से निकल लेता है। एलिस, बुकिंग है आपकी? नहीं, किस चीज की? नहीं नहीं, ओला उबर से आप? नहीं। अब तक सिर्फ महिलाओं के दुश्मनों से सामना के बाद हमारी संवाददाता प्रतिभा मिश्रा के पास आते हैं बाइक पर सवार दो युवा, जो प्रतिमा को यहाँ ना खड़े होने की सलाह देते हैं। ये बहुत अच्छी तस्वीर है कि आप लोगों ने यहाँ रुककर कम से कम मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर हैं तो क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं कोशिश करूंगी कि आप एक बार कैमरे पर इनको दिखा दीजिए प्लीज, कि ऐसे लोग भी हमारे बीच में। इसके बाद भी हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा यहाँ खड़ी रहती है और इस बीच दो स्कूटी सवार लड़के आते हैं, एबीपी न्यूज की कार में रखे कैमरे को देखते हैं और ये भी पतली गली से निकल लेते हैं। इस लोहिया पथ पर पिछले आधे घंटे से मैं खड़ी हूँ और एकमात्र मैं ही लड़की हूँ जो इस बस स्टैंड पर खड़ी थी। इस आधे घंटे के अंतराल में एक भी पीसीआर वैन यहाँ का चक्कर काटती हुई मुझे दिखाई नहीं दी और यकीन यहाँ से गुजरते हुए तमाम लोगों ने मुझे इस बात का एहसास कराया कि इस सड़क पे खड़े होने का मेरा कोई अधिकार नहीं, इस बस स्टैंड पर खड़े होने का मेरा कोई अधिकार नहीं,
क्योंकि यहाँ से वो तमाम लड़के बाइक पर गुजरे हैं, कई सारी गाड़ियां यहाँ से गुजरी हैं जो मुझे गंदी निगाहों से देखते हुए गुजरी हैं, कई सारे लोगों ने यहाँ मुझे गंदे इशारे तक किए, कई सारे लोगों ने साथ चलने के इशारे भी किए। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें शायद जो कैमरा नहीं पकड़ पाया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने महसूस किया, वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर खड़े हुए मुझे इस बात का एहसास हो गया कि कोई भी लड़की रात के 10 बजे भी इस बस स्टैंड पर लोहिया पथ पर चलते हुए रास्ते पर अकेले खड़े होते हुए खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। जगह विधानसभा के सामने लखनऊ, समय रात 10:20 पर। अब हमारी संवाददाता पहुंच चुकी हैं यूपी विधानसभा के सामने, सबसे हाई प्रोफाइल जोन में जहां हाई सिक्योरिटी होती है, लेकिन यहां भी मौजूद थे बेटियों के दुश्मन। इस स्कूटी वाले को देखिए जो हमारी संवाददाता को घूरते हुए निकला, हालांकि कुछ अच्छे लोग भी मिले। ये एरिया सेफ नहीं है क्योंकि मैं ये सचिवालय का देख के खड़ी हुई थी। आप कहां जा रहे हैं? मेरे को नेहरू एनक्लेव जाना है, मेरा एक दोस्त है वो पिकअप करने आया। हाँ जी, मुझे भी वहीं जाना है, मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझे पिकअप करने के। पेट्रोल पंप के पास खड़ी है। अब भी हमारी संवाददाता विधानसभा के सामने खड़ी है, दूसरी ओर पुलिस वाले हैं जो कुछ देर बाद एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा को अकेला देख रोड के इस तरफ आते हैं और यहाँ खड़े होने का कारण पूछते हैं। मैं ये देखना चाह रही थी कि आप उस साइड हैं, तो अकेली लड़की को देखकर आप लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये क्यूरियोसिटी दिखाई। पुलिस वालों के जाते ही उसी विधानसभा के सामने एक कार आती है जो हमारी संवाददाता के पास से दो बार चक्कर लगाकर निकल जाती है। इस दौरान कार में बैठे लोग पप्तियां भी कसते हैं। पीछे आप देख रहे हैं जगमगाती हुई है लाइट, और यहाँ पर जिस दौरान ये सब हो रहा था, पुलिस की कोई भी गाड़ी यहाँ गश्त लगाती हुई हमें नहीं दिखाई दी है। इस दौरान ये स्थिति थी कि एक महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी भी चार बार इसी रोड पर चक्कर लगाकर गुजरी, शायद हिचकिचाती रही लेकिन मुझे घूरती रही लगातार। यानी कुल मिलाकर लखनऊ के इस हाई सिक्योरिटी जोन में भी रात में महिलाएं असुरक्षित ही महसूस करेंगी, जैसा कि हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने महसूस किया। रात 9 बजे एबीपी न्यूज की ये ऑपरेशन बेटी बचाओ की पड़ताल शुरू हुई और करीब 3 घंटे बाद ये पड़ताल खत्म हो गई, लेकिन इस 3 घंटे में मैंने जो कुछ महसूस किया, यकीन मानिए वो बहुत ही ज्यादा असहज कर देने वाला था। इस 3 घंटे में हम लखनऊ के उन तमाम पॉश इलाकों में गए जहां पर अमूमन कोई भी बस स्टॉप या ऑटो स्टैंड पर खड़े होकर अपने ट्रांसपोर्ट का, अपने व्हीकल का इंतजार करता है, लेकिन वो 3 घंटे मेरे लिए ऐसे थे शायद जिसे मैं कभी ना भूल पाऊं। कई सारे अलग इलाकों में मेरे अलग अलग एक्सपीरियंस हुए जो मैंने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की। कई सारे इलाके ऐसे थे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने के बावजूद मुझे अकेला देखकर, यानी एक बस स्टॉप पर सिर्फ एक अकेली लड़की को देखकर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स पास किए, लोग बगल से गुजरते गए, इशारे करते गए, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि यूपी विधानसभा के ठीक बाहर, यानी कुछ ही कदमों की दूरी पर कुछ गाड़ियां रुकी रही, बहुत देर तक मुझे घूरती रही। वहां बैठे हुए लोगों ने मुझे अपने पास आने को कहा और पास जाने पर साथ चलने तक को कह दिया, लेकिन वहां भी मुझे पुलिस की कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी। हालांकि एक अच्छी तस्वीर भी लखनऊ में देखने को मिली, और वो अच्छी तस्वीर ये थी कि कुछ आम लोगों ने मुझे अकेला देखकर मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया, मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने की सलाह भी दी। लेकिन कुल मिलाकर मैंने जो महसूस किया उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी लड़की के लिए देर रात बिल्कुल भी महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज लखनऊ।